सिंध के वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल कहते हैं पीआईए मुलाजमीन और मीडिया नुमाइंदगान पर तशद्दुद की जुडिशल कमेटी बना दी गई है, रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। पीआईए मुलाजमीन और मीडिया के नुमाइंदगान पर होने वाले तशद्दुद के बाद साई सरकार के वज़रा अयादत के लिए मुख्तलिफ नशरियाती इदारों समेत अस्पताल पहुँच गए। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने डॉन न्यूज, ARY न्यूज, न्यू न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज समेत दीगर नशरियाती इदारों का दौरा करते हुए जख्मी होने वाले नुमाइंदगान की अयादत की, जबकि पीआईए के जख्मी मुलाजमीन की अयादत के लिए भी जिन्हें अस्पताल का रुख किया और फूलों के गुलदस्ते भी तकसीम किए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुलाकात करते हुए सुहेल अनवर सयाल ने मुलाजमीन का साथ देने की भरपूर यकीन दहानी करवाई। जो भी सीएम साहब ने यकीन दहानी कराई है उस पे हम पूरा उस पे अमल दरामद कराएंगे। FIR जो है हर किसी का हक है, हर किसी के साथ इंसाफ के साथ, इंसाफ के सारे जो अपना रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी की जाएंगी। मैंने अभी DIG को कहा है कि जो लीगल अपना ओपिनियन लेके जो भी इनका ओपिनियन है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वाकया हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और आप मीडिया के दोस्तों के तौसत से हर किसी को, हर PI के उस मुलाजमीन को, हर उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिसने भी इस यानी फायरिंग के वाकये में जो भी इसके पीछे होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सुहेल अनवर सयाल ने कहा कि सानेह के हवाले से जुडिशियल कमेटी बना दी गई है, रिपोर्ट आने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज।